बहुत जल्दी डेट लगने जा रहा है और हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। मतलब ढंग से जो तैयारी होनी थी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और इस समय हम मतलब लीजन पे हैं। अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं कहेंगे और पड़ेगी तो हम दिल्ली जाएंगे भी और दिल्ली से आएंगे भी। पहले भी हम गए हैं अभी जाएंगे। फोटोबाजी में फोटोबाजी में मुझे शौक नहीं है। फोटोबाजी का मैं हीरो नहीं हूँ और फोटोबाजी करके मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। काम करता हूँ तो पैसे लिया है और उस पैसे को जहाँ के लिए लिया वहीं लगाया है। ठीक है, रही बात स्टेटमेंट की, जैसे ही हेयरिंग हो जाएगी स्टेटमेंट ओपन प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, किसी एक चैनल पे लाइव किया जाएगा और जो जितने भी स्टेट के एडमिन है जो हमारे साथ आए हैं केवल और केवल उनको दिया जाएगा इस शर्त पे कि वो इसमें देख ले कोई उनको कमी दिख रही है तो वो मुझे बता दे सीधे। पहले वो मुझे बता दे, मेरे से बात तो संतुष्ट ना हो, उसके बाद ओपन प्लेटफॉर्म पे आके कहें। जिन जिन राज्यों का एमएज आए हैं वो वकील अपने हिसाब से उसको ड्राफ्टिंग कर चुके हैं और अपने हिसाब से जिससे उनको अच्छा लगेगा आपके लिए जो सर्वोत्तम है उसी हिसाब से फाइलिंग करने जा रहे हैं। और दो राज्यों को लीगल नोटिस भी आ चुके जा रहे हैं कल, और उसमें एक हमारा स्टेट भी है जहाँ पे भर्तियां ऑन गोइंग प्रोसीडिंग में है और वहां को सूची लीगल नोटिस कल हमारे बार भेजने जा रहे हैं। और एक राज्य की मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, वहां का डायरी नंबर जनरेट हो चुका है। दो तीन राज्य और रह गए हैं और उनका भी प्रक्रिया प्रोसीडिंग में है और जल्दी ही वो नियम अनुसार हो जाएगा। हाँ, ये अभी तक जैसा विश्वनाथ जी ने करते आया है उनके काम को जितने लोगों ने सराहा है और जितना पारदर्शिता अपने काम में रखा हुआ है, अभी तक मैं मानता हूं कि किसी ने भी उस प्रकार का के सारे रेगुलर वालों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि विश्वनाथ बहुत पैसा रख लिया है या केस को ऐसा कर रहा है केस को ऐसा कर रहा है, तो ये तो विरोधियों का काम ही होता है कि किसी तरह से किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसके काम को अरंगा डालना, उसके बीच में टांग लगाना, ये विरोधियों का काम ही रहता है ताकि इनका केस हिल जाए, इनका केस कमजोर हो जाए, लोग जो है बिखर जाए, लोग एक साथ ना हो पाए और उनका फायदा हम लोग उठा पाए, ऐसा विरोधियों का मानना है। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब तक विश्वनाथ जी साथ हैं तब तक केस पूरा मजबूत है, पूरी तरह से मजबूत है और किसी के बहकावे में या किसी के अन्य बातों में ना आइए। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात यह है कि केस का डेट जो है बार बार लोग पूछ रहे हैं, ग्रुप में भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि केस डिलीट हो गया या केस इधर उधर हो गया, ये कैसा हो जाता है, केस डिलीट क्यों हो जाता है, बहुत सारे सवाल है लोगों के। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कोर्ट में जो कुछ कुछ प्रोसेस होता है उसके द्वारा कभी कभार केस जो है वो डेट बताता है, वो डेट आगे बढ़ जाता है। कोर्ट में भी ऐसा कुछ कुछ काम होता है, हम लोग तो डिटेल उसमें नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोर्ट में भी ऐसे काम होता है जो केस को जो है आगे बढ़ा दिया जाता है। वैसा ही हमारे यहाँ हुआ है, अभी हमारे मामले में ऐसा हुआ है। तो इसमें घबराने की या किसी तरह से हताश होने की जरूरत नहीं है। बार बार विश्वनाथ जी भी आपको बोलते हैं, उनकी टीम के द्वारा हमारे द्वारा बताया जाता है कि जब भी डेट लगेगा हम आपको बता देंगे। वो डेट पूरी तरह से दिखा हुआ है और वेबसाइट में आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो डेट कब तक लग सकता है। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट आया है एक दो दिन में, उसमें बता रहा है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते लग जाएगा। तो इसमें निश्चिंत रहिए कि आपका डेट जो है पूरी तरह से लगेगा और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं।